खुशी पहाड़ी ब्लॉग तो स्वागत करो मैं और मुझे दो दिन हो चुके हैं फाइनली आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था बट अब मैंने सोचा गुजरात आई और ब्लॉग ना बनाऊँ ऐसा हो नहीं सकता तो ये देखिए रेडी होके निकल और आपको कैमरा दिखाऊंगी मेरी क्यूट लिटिल प्रिंसेस से एंड ये उसके पापा एंड ये ममता भी आगे जा रही है क्योंकि हम जा रहे हैं कहीं बाहर और आपको बता दूं कि मुझे दो दिन हो चुके हैं और दो दिन के बाद अब मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। सो रास्ते में मैंने ब्लॉगिंग इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और काफ़ी टाइम हो गया मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करना बंद कर दिया है इस वजह से भी। और आगे जा रहे हैं ममता जी के ससुर और उनका नातिन और ममता जी और मेरे हस्बैंड जी जाते हैं। यहाँ से पैदल पैदल जाना पड़ेगा क्योंकि व्हीकल नहीं है मतलब जो व्हीकल था वो इन्हें भेज दिया हमें एंड गुजरात में अभी चीज़ों भी नहीं है वो भी फॉरेन गए हैं तो इस वजह से अभी हमें ऑटो पकड़ के जाना पड़ेगा। और डुगू हाई कर रही है वो भी ब्लॉगर बन रही है सो हाय कर दो डुगू बाय बाय। सो यहाँ मेरी बेटी भी ब्लॉगर बन गई है हाई कर रही है और यहाँ पे बहुत गर्मी हो रही है आप देख सकते हो हमने समर ड्रेसेस पहने क्योंकि यहाँ बहुत धूप हो रही है आप देख सकते हो उस तरह से बहुत धूप हो रही है। और यहाँ जो मार्केट भी काफ़ी दूर है और हम इस समय हैं आनंद तो आप बैक कैमरा से आज मैं पूरा आनंद आपको घुमाऊँ चलो अब बैक कैमरा है बैक कैमरा ये है पार्लर जो कि गुजराती लैंग्वेज में लिखा है तो थोड़ा आगे चल के हमें ऑटो पकड़ेंगे ये देखिए गुजराती में लिखा है पता नहीं क्या लिखा है ये अमूल दूध लिखा है गुजराती में क्योंकि इतना तो मुझे पढ़ना आता है इनके आपसी गप्पे चल रहे जब जा रहे थे तो रास्ते में बारात जा रही है गुजराती बारात तो गुजरात में इतनी गर्मी हो रही है ना आप देख सकते हो सब ने समर ड्रेस पहनना स्टार्ट कर दिया और यहाँ आपको कोई भी सर्दी के कपड़े पहने हुए नज़र नहीं आएगा उत्तराखंड से हाँ। सामने अच्छा।
कॉलेज वाले हैं, यहाँ पे कॉलेजेस ज्यादा है ना इसलिए। आज अभी एक पूरा पूछो है ना कि कॉलेजेस है। अच्छा कपल्स आते हैं वैलेंटाइन डे आप मार्च महीने के बाद में आओ ना। हाँ हाँ तो कोई नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा तो यहाँ पुलिस छुट्टी रहती, पुलिस स्ट्रिक्ट नहीं होती, स्ट्रिक्ट नहीं होती यहाँ की पुलिस? नहीं ऐसे ऐसा कुछ नहीं। तो ये यहाँ से चालू होता है वैलेंटाइन डे। बोला नहीं हेलमेट बिना हेलमेट पहन के जाओ, हमारे यहाँ हेलमेट में चालान है, जो हेलमेट नहीं पहनेगा। हाँ गुजरात की खास बात है यहाँ हेलमेट कोई नहीं पहनता, लेकिन यहाँ पे फॉलो थोड़ा थोड़ा सब होता है, यहाँ कानून कम करते हैं बहुत। हाँ नहीं हेलमेट करके कभी हो गया तो हो गया, वैसे नहीं होता। हाँ वही कह रहा हूँ ना, हेलमेट हेलमेट विदाउट हेलमेट वाला है। जो स्पीड में चलते हैं ना उनके यहाँ पे ज़्यादा स्पीड में नहीं जाते। हाँ नहीं जाते। कितनी बड़ी है मतलब देखी, कितनी बड़ी बड़ी यहाँ पे ना रेस्टोरेंट होटल कैचर्स पर ये महंगी बहुत होती है, ब्रांड इनके महंगे होते हैं, 5,000 से कम नहीं। हाँ ये कौन सी चौक है अंकल? अच्छा ये स्मार्ट बाजार, ओ एम जी हॉस्पिटल। हाँ ये स्मार्ट बाजार, स्मार्ट बाजार पहले बिग बाजार था तो बिग बाजार अब हट गया, मतलब ऑल ऑफ इंडिया से बिग बाजार अब हट गया। ये तो बाहर भी मतलब बाहर भी यहाँ कितना बड़ा मजा लगा है। यहाँ पे पहले चलते हैं फिर। अच्छा 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 इन मेन बाजार को क्या कहते हैं? हाँ चुकी पहले। हाँ यहीं से लोग ले जाते होंगे ना, जैसे कुछ अपने पहाड़ में ले जाना या ऐसे कुछ छोटा यहाँ से सब मिलेगा, सब मिलेगा सामान। क्राफ्ट बाजार आ चुके हैं ये देखिए, आज आपको क्राफ्ट बाजार दिखाएंगे गुजरात का। और बिग बाजार के सामने हम स्मार्ट बाजार आ गए क्योंकि पहले उसका नाम बिग बाजार था, मेरी सिस्टर कह रही थी। चलो अब आपको दिखाती क्राफ्ट बाजार का मार्केट। आते यहाँ कुछ शिकंजी टाइप का खाने पीने का है तो तुमने यहाँ से नहीं लिया मतदी जब? वाह क्या बाजार लगा है। सो यहाँ से स्टार्टिंग है क्राफ्ट बाजार की और काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे हमारे तिरुमदारा में मेला लगा होता है ना जब कोई त्यौहार होता है। नहीं ये तुम जो वहाँ का याद दिला रहा है, हरिद्वार में नहीं रहते जैसे। हाँ सेम जैसे।